हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा एंड वेलकम टू निशास फैशन। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लाई हूं। मैंने बहुत दिन पहले लव लव गैलेक्सी स्ट्रोलर का एक वीडियो डाला था एंड उस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले थे एंड उन कमेंट्स में से मुझे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मिला है। वो है कि स्ट्रोलर के जो हैंडल बार से वो रॉन्ग डायरेक्शन में अटैच हो जाए तो उसको कैसे रिमूव करना है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ एंड मुझे पता है। सो कभी कभी क्या होता है, जब हम स्ट्रोलर को इंस्टॉल करते हैं उस टाइम हैंडल बार्स को हम रॉन्ग डायरेक्शन में अटैच कर देते हैं और फिर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें वो ट्रिक नहीं पता होता है कैसे इसको रिमूव करना है और कैसे इसको सही तरीके से फिर से अटैच करना है। So, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं इस टॉपिक में क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूं। So, मुझे पता है क्या कैसे करना है। So, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी अगर हैंडल बार्स रॉन्ग डायरेक्शन में अटैच हो जाए तो उसको कैसे रिमूव करना है एंड उसको कैसे फिर से सही तरीके से अटैच करना है। एंड मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, उससे आप हैंडल बार्स जब इंस्टॉल करेंगे तब आप हमेशा सही डायरेक्शन में अटैच करेंगे, कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन में अटैच नहीं करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है लव लैब का गैलेक्सी स्ट्रोलर और ये स्ट्रोलर मेरी बेटी के लिए है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस स्ट्रोलर के जो हैंडल बार्स है उसको रिमूव कैसे करते हैं। सो हैंडल बार्स को रिमूव करने के लिए पहले हैंडल बार को मिडिल में लाना होगा और फिर इस हैंडल बार के नीचे दो नॉब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नॉब है, एक ऊपर का नॉब है एक नीचे का नॉब है। सो नीचे वाला नॉब को पुश करना है। पुश करने के लिए आप एक स्पून के हेल्प ले सकते हैं और फिर नीचे वाला नॉब को पुश करके एट द सेम टाइम हैंडल्स को ऊपर की तरह खींचना है। ये देखिए हैंडल्स रिमूव हो गया है। अभी सेम प्रोसेस फॉलो करके दूसरा हैंडल्स को भी निकालना है। नीचे वाला नॉब को पुश करना है और हैंडल्स को ऊपर की तरह खींचना है। अभी आप देख सकते हैं स्ट्रोलर का जो हैंडल बार है वो रिमूव हो गया है और अभी इसको सही डायरेक्शन में लगाना है। सो अभी हम इसको टर्न करेंगे और फिर इसको अटैच करेंगे। स्ट्रोलर के हैंडल बार को अटैच करते टाइम एक साउंड सुनाई देगा। ये देखिए अभी ये अटैच हो गया है। अभी मैं आपको बताऊंगी स्ट्रोलर के जो हैंडल बार है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं कैसे पता चलेगा। स्ट्रोलर के हैंडल बार इंस्टॉल करने से पहले एक बार स्ट्रोलर के पीछे खड़े होके हैंडल बार में जो लव लैब का लोगो है वो चेक कर लीजिए। अगर ये लोगो सही दिख रहा है इसका मतलब स्ट्रोलर के हैंडल बार सही डायरेक्शन में है। अगर ये लोगो उल्टा दिख रहा है इसका मतलब हैंडल बार रॉन्ग डायरेक्शन में है और उसको फिर से सही डायरेक्शन में करना होगा। सेकेंड थिंग आप चेक कर सकते हैं, ये हैंडल बार में जो कर्व है ये पीछे की तरह नहीं, ये कर्व आगे की तरह होना चाहिए। सो आपने देखा मैंने कैसे रॉन्गली अटैच हैंडल बार को रिमूव करके सही डायरेक्शन में अटैच किया है। आई होप आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक कीजिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी भी पेरेंट्स को सेम प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। और अगर आपको लव लव गैलेक्सी स्ट्रोलर के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप जाके एंड स्क्रीन चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने दिखाया है लव लव गैलेक्सी स्ट्रोलर को कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड उस स्ट्रोलर के सारे फीचर्स भी मैंने शेयर किया है आपके साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।